उत्तरी भारत का सब तो बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बरिंदर ढिल्लों भी हालांकि इस टुकड़ी का एक हिस्सा रहे ने। इनवोलमेंट हैगी बट डायरैक्ट इनवोलमेंट नहीं है गैंगस्टर्स की। पहला लड़ाई हुंदी सी हत्था पैरां दी लड़ाई सी, डांस टोटे दी लड़ाई सी, टाइम दे नाल लड़ाई चेंज होई। ये लड़ाई हुण हथियारां तक पहुंची ते एक यूथ दे विच क्रेज़ है भी असं लीगल वैपन रखिए तो असं बहुत चंगा फील करांगे। उत्तरी भारत का सब तो वड्डा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किवें पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच्चों निकलदा ते पंजाब का सब तो वड्डा गैंगस्टर बनदा। असीं गलबात करांगे उहदे यूनीवर्सिटी दे पूरे सफर दी, किवें किवें उह गैंगस्टर बनिया, किवें किवें उहने तार अपने होर गैंगां दे नाल मिलाए ते वड्डियां वड्डियां वारदातां नूं उहने अंजाम दित्ता। इस पूरे मुद्दे उत्ते साडे नाल गलबात करनगे पंजाब यूनीवर्सिटी के 2017 के बने प्रधान NSUI के सचिन गालव जी। सचिन गालव, सब तो पहला तुहाडा पंजाब टुडे दे स्वागत है। थैंक यू बई। लॉरेंस बिश्नोई उत्तरी भारत का अज की डेट दे विच सब तो वड्डा गैंगस्टर है तो उहदे नेड़े तेड़े दे ग्रुप भी हले कोई पंजाब दे विच या उत्तरी भारत च नहीं है। किवें ओह यूनीवर्सिटी दे विच एंटर करदा ते किवें ओह धीरे धीरे करके अपना जिहड़ा कि है साम्राज्य यूनीवर्सिटी दे विच बनाउंदा ते किवें हौली 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 पूरे पंजाब दे उत्ते कब्जा करदा, किवें उहदी शुरुआत हुई बई? देखो जी, लॉरेंस बिश्नोई, देखो तुसीं अज सारे ना जानदे अज दी डेट दे विच कोई ऐसा मैनूं लगदा कि लॉरेंस बिश्नोई दा नाम नहीं जानदा होएगा। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो शुरुआत हुई भी एक स्टूडेंट सीगा, DAV कॉलेज दे विच स्टूडेंट सीगा, उत्थे सोपू पार्टी दे विच सारे सीगे ते उस तो बाद यूनीवर्सिटी दे विच भी एक्टिव सीगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो जिहड़ा भी अगे इन्हां ने सफर चुनिया इन्हां दे आप दा सफर सीगा, इहदे विच किवें स्टूडेंट्स तो ये अगे वधे ने, इहदे विच की रोल यूनीवर्सिटी का रहिंदा, की कॉलेज का रहिंदा, की पॉलिटिक्स का रोल रहिंदा, ये पहला तो चीज़ां चलदी आई सी। टाइम दे नाल होर होर वध रहीआं ने, पहला थोड़ी हुंदियां सी, हुण दे समय दे विच ज़्यादा हो गई है ते किते ना किते इस चीज़ ये भी पॉलिटिक्स तो ही ये सारा कुछ शुरुआत हुई है। ते अज दे समय दे विच आपां सारे जाणदे ही है भी की हालात होए ने इन्हां चीज़ां दे ते की सानूं कंसीकुएंसी सोसाइटी नूं फेस करने पैणे। इस करके कहते कि लॉरेंस बिश्नोई ने यूनीवर्सिटी के भी जो एंटर किया तो सब तो पहला उन्हें रॉबिन बराड की कैंपेनिंग तो शुरू किया तो उदों गैर कानूनी तरीके दे नाल यूनीवर्सिटी के रहा कि यूनीवर्सिटी ने कभी उसदा विरोध नहीं किया। जी, यूनीवर्सिटी देखो तुसी पंजाब यूनीवर्सिटी 17,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो जोड़े होस्टल्स ने या बहुत हुण भी यूनीवर्सिटी के बहुत सारे आउटसाइडर रहेंदे, बाहरों एंट्री भी होंदी है, कोई इहो जिहे रूल्स रेगूलेशन बहुत स्ट्रोंग नहीं है यूनीवर्सिटी के, कोई पुलिस प्रशासन की कोई इहो कोई एक्टिविटीज़ नहीं है भी कंट्रोल कर सकन आउटसाइडर्स नूं। ईवन पंजाब यूनीवर्सिटी की सिक्योरिटी भी कोई खास मजबूत नहीं है भी आउटसाइडर की एंट्री नूं बैन कर सकन। तो फिर ये हाल जो आउटसाइडर होस्टलों के रहेंगे, जो कैंपस के आउटसाइडर्स की इनवॉलमेंट होगी तो यह चीज़ां किते ना किते अगे लैके जांदियां हुंदियां ने। जिहड़े इलैक्शन होंदे ने उन्हां इलैक्शन दे विच भी आउटसाइडर्स की एक्टिविटीज़ उन्हां दा कंट्रोल पूरा पूरा इनवॉल्व हुंदा है इलैक्शनस दे विच ते पार्टियां नूं चलाउण दे विच भी। अच्छा, कई जिहड़े नाम ने यूनीवर्सिटी दे विच पहला जिहड़े कि सब तो टॉप ते रहिंदे सीगे, चाहे वह प्रधानगिरी ते होवे, चाहे आपां गल कर लई आउटसाइडर दी ते फिर चाहे वह विक्की मिड्डू खेड़ा होवे, चाहे रॉबिन बराड होवे या फिर शेरा कुमार होण, इन्हां दा भी यूनीवर्सिटी दे विच आना जाना लग्गिया रहिंदा सीगा। बरिंदर ढिल्लों भी हालांकि इस टुकड़ी दा एक हिस्सा रहे ने, लेकिन बरिंदर ढिल्लों हुण एक उन्हां ने अलग अपना जिहड़ा राह कांग्रेस वालों जिहड़ा चुन लिया, वो एक अज आधी डेट दे विच यूथ दे प्रधान बने होए ने। लेकिन कई जिहड़े यूनीवर्सिटी के प्रधान सीगे ओह उस तो बाद उन्होंने कोई पार्टी नहीं चुनी, लेकिन उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग तो बना ली जो कि गैंगस्टरवाद को बढ़ावा देती है। तो लॉरेंस भी उस चीज़ का हिस्सा सीगा। देखो जी, यूनीवर्सिटी कोई भी यूनीवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता। ये तुहाडे ते हुंदा तुसीं भी की लैके जा रहे हो, की पढ़ाई लैके जा रहे हो, की तुसीं उधरों की सीख के जा रहे हो। इसे यूनीवर्सिटी ने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिते हैं, पवन बंसल MP हो गए या राजीव प्रताप रूड़ी, सुषमा स्वराज, बहुत वड्डे वड्डे नाम है इसे यूनीवर्सिटी के प्रोडक्ट ने। तो दूजे पासे असीं वेखदे इस यूनीवर्सिटी के इहो जिहे प्रोडक्ट भी ने जिहड़े दूजे पासे गैंगस्टर वाले पासे भी जा रहे हैं। तो किते ना किते इस आपां नूं समझना पैणा जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो जिन्हां दे नाम आपां शुरुआत तो लै रहे सीगे, जिन्हां दे लॉरेंस जी होणगे होए होर भी बथेरे लोग हो गए कि जिहड़े ये राह आपां ही चुणे ने, गलत राह भी आपां चुणे है, सही राह भी आपां चुणे ने, ये अपने ते डिपेंड करदा कि आपां किहड़े राह जाणा है। तो जो पहला पोस्टर लगते थे शरेआम लिखा जाता है, पोस्टर के थले भी सोपू पार्टी के पोस्टर थले हमेशा लिखा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सपोर्ट कर रहे इस पार्टी में, या होर भी जी पार्टी है GGSU लिख देंगे सी, बूपी राणा ग्रुप जोड़ा की है पहला लिखते शरेआम लिखते थे। तो लॉरेंस बिश्नोई की मैं चाहूँगा सचिन जी तुसीं खुल के बोलो, लॉरेंस बिश्नोई की यूनीवर्सिटी के अंदर किद्दां उहदी छाप पई ते किवें हौली हौली करके जोड़ा की है लड़ाइयां दे विच्चों बाहर आना जोड़ा शुरू होया। जी देखो लॉरेंस बिश्नोई भी साढ़े वर्गा एक आम स्टूडेंट सीगा, असी जिस पोलीटिकल स्ट्रक्चर दे विच पैदा हुए हैं वो भी उस स्ट्रक्चर दे विच पैदा हुई सी कि कॉलेज दे विच जदों एक गर्म खून हुंदा है, युवा जिहड़ा यूथ हुंदी है उहनूं गर्म खून हुंदा है पॉलिटिक्स दा, एक चंगी लगदी है पॉलिटिक्स जस्ट कि आपां लोकां दी मदद करिए, दूजे पासे फेम भी जुड़े है तो वो भी एक होनहार स्टूडेंट से कॉलेज के उस तो बाद हौली हौली इनीशियली जो तुसी किसी इनीशियली स्टेज पर किसी ना किसी एक्टिविटी में इनवॉल्व हो जाते हो, हौली हौली बंदे नूं पता ही नहीं चलता वो किहड़े राह ते तुर रहे हैं। तो उही चीज़ हुई वो जो जो बंदा अगे वध जाता उन्होंने पिछे मुड़न के राह नहीं दिखते। तो ये सारिया चीज़ा काफ़ी टाइम तो चलती आईया सी यूनीवर्सिटी के, असी भी बहुत सारे इहो जिहे लोग ने भी यूनीवर्सिटी के पॉलिटिक्स करके गए हैं, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करिए, बट किते ना किते समटाइम कोई इहो जी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कई बार गर्म खून इहो जिहे डिसीजन लै लैंदा, एक गलती बहुत भारी पै जाती है, फिर वो सारी उम्र बंदा पिछे मुड़ के नहीं देख सकता। शायद इहो जिहा ही कुछ होया होना उन्होंने नाल। अच्छा सच्ची वीरे मेरा एक तुहाडे तों सवाल है कि सब तो पहला गोलियां दा ट्रेंड लॉरेंस बिश्नोई लैके आए यूनीवर्सिटी दे विच? ये देखो जी पहला लड़ाई हुंदी सी यूनीवर्सिटी दे विच, लड़ाई हुंदी सी, राजनीति करनी सौखी नहीं हुंदी, पहला लड़ाई हुंदी सी हत्था पैरां दी लड़ाई सी कि डांग सोटे दी लड़ाई सी, टाइम दे नाल लड़ाई चेंज हो गई, ये लड़ाई हुण हथियारां तक पहुँच गई है, गोलियां तक पहुँच गई है, हुण कोई भी किसी तो बुलवा के पेड गैंगस्टरशिप हो गई है, कोई किसी पर भी हमला करवा सकता है, ये बहुत ईजी कम हो चुका है। पहला असीं वेखदे सी नॉर्मल लड़ाई सुनते सी, आप भी वेखदे सी, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स रह के भी ये नॉर्मल चीज़ां ने, बट समय के नाल जदों वेखिया भी ये गोलियां भी शुरू हो गई। 2016 के पुस्सू तो सोई पार्टी की SOI की लड़ाई हुई सी, तो नॉर्मल डिस्प्यूट के गोलियां चलाती सी एक पार्टी ने दूजे वाले तो उस तो बाद हौली हौली DAV कॉलेज लगातार 2 साल मर्डर हुए हैं, स्टूडेंट्स के मर्डर हुए हैं आपस के, और बाहर भी कोई किसी पता चलता भी कोई 15 सेक्टर PG च गोलियां चला गया, तो ये इंसीडेंट 18, 20, 22 साल के मुंडे करते सी। तो ये किते ना किते आपां नूं समझना पैना भी गाइडेंस ते काउंसलिंग की कमी रही है, नहीं तो इहो जी एक्टिविटीज़ असीं कदे सुनिया नहीं सी पहलां जिहड़ियां हुण 5-4 सालां दे विच होईयां ने। विक्की मिड्डू खेड़े ने जदों SOI पार्टी ज्वाइन कर ली सी, हालांकि वो हुण इस तरह विच नहीं रहे, उन्होंने भी गोलियां मार के उन्होंने हत्या कर दी गई है, कहते हैं कि उन्होंने बेशक वो SOI पार्टी के भी चले गए थे लेकिन उन्होंने कितना ना कितने सोपू पार्टी के उन्होंने इंटरफेरेंस सी, तो कोई भी वारदात को अंजाम देने वास्ते उन्होंने इशारा बहुत जरूरी होता सी। देखो विक्की अपने वड्डे भरा सीगे ते ये सारे सोपू पार्टी का प्रोडक्ट सीगे, हौली हौली जदों पोलीटिकल पार्टी की इनवॉल्वमेंट वध गई, कांग्रेस BJP तो होर पार्टियां अकाली दल की इनवॉल्वमेंट वध गई, तो सारे ने सारे लोगों ने अपने राह चुन ले, कोई SOI ज्वाइन कर गया, कोई NSUI ज्वाइन कर गया, कोई ABVP ज्वाइन कर गया। लेकिन सब तो पहला सोपू पार्टी के उत्ते विक्की मिड्डू खेड़ा का नाम सीगा, लेकिन हुण अज दी डेट दे विच लॉरेंस बिश्नोई तो पुछे बिना सोपू पार्टी तो छड्डो बाकी पार्टियां दे विच भी जिहड़ा प्रधान उन्होंने कई ती खड़दे हैं। देखो पहला जिहड़े जिस पार्टी तो निकले होंदे है कोई अटैचमेंट होंदी है, पार्टी प्रति प्यार हुंदा है भी ओदी भी मैं इनवॉल्व रहां, कोई भी किसी लैवल ते होवे भी जिहड़े दूजी पार्टी कई बार ज्वाइन करन तो बाद भी जिहड़ा पिछला प्यार सी पार्टी लई वो हर बंदे दा रहिंदा है। पिछले कुछ समय दे विच सोपू पार्टी नेगेटिव रही है, उस तरीके नाल छवि नहीं आपकी रख सकी जिहड़ी पहलां सीगी, होर भी जिहड़ी पुस्सू पार्टी सी वो भी उस तरीके नाल अगे नहीं वध सकी, बट इन रियलिटी कहिए भी इनवॉल्वमेंट हैगी बट डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट नहीं है गैंगस्टर्स दी। जो सपोज तुसी किसी नूं अनाउंस कर दिंदे हो या किसी नूं कुछ अगे आप प्रमोट कर दिंदे उहदे खिलाफ बोलण वाला कोई नहीं है, इनवॉल्वमेंट ना भी होवे लोकां नूं पता है भी जे मेरे इस बंदे नाल रिलेशन ने। कभी NSUI पार्टी तो भी खड़ा कोई इदां दा गैंगस्टर ने किसी नूं खड़ा? देखो जी मैं पिछले समय की गल करा, मेरे हिसाब नाल तां NSUI साफ सुथरी रही है, NSUI पार्टी ने कदे इहो जी कोई चीज़ इनवॉल्व नहीं हुई है, बट इन रियलिटी कोई लुकमी चीज़ हुई होवे उहदी मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। पिछले समय दे विच जिन्ना सानूं समझ 8-10 सालां दी उस तो पहला कुछ होया होवे उहदी कोई गलबात नहीं कह सकदे भी कदे इकदार कोई इनवॉल्वमेंट दे थ्रू कुछ ना कुछ माड़ा मोटा हो सकदा शायद होया होवे। लॉरेंस बिश्नोई नूं सब तो पहला जदों जेल हुई सीगी उदों यूनीवर्सिटी दे विच सब तो पहला उहदी लड़ाई हुई सी कि बाहर किते उहने? देखो जी जिन्ना कई साडे पुराने साथी सीगे जिहड़े असीं इन्हां चों बाद चों आए हैं जिन्नी पुरानी सुनी है वो गल कहंदे भी हौली हौली एक छोटी जी लड़ाई तो ये सफर अगे वधे। हुण छोटी जिहड़ी सुनी हुई गल है उहदे ते ही कह सकदे भी छोटी जी लड़ाई जदों यंग खून हुंदा है तुसीं छोटा जिहा स्टैप इहो जिहा लै लैंदे हो, छोटी जी लड़ाई पिछे भी मेरी उहदे नाल लागडाट हो गई तो स्टैप अगे फॉरवर्ड फिर पिछे नहीं मुड़दा। तो यही चीज़ उन्हों की भी सुनी है भी कोई ना कोई इहो जी इनवॉल्वमेंट हुई है, जिहड़े उन्होंने साथी सीगे भी इनवॉल्वमेंट हुई है, असी किसी ने कोई दूजा राह चुनिया किसी ने दूजा राह चुनिया, तो उन्होंने तो ये राह चुनिया है वो आप जानन या तो परमात्मा जानता भी किस राह ते वो तुरे ने, बट एक बहुत बड़ा वड्डा मैसेज गया सोसाइटी लई यूनिवर्सिटी तो निकल के कोई मतलब कोई MLA भी बन रहा है, कोई MP भी बन रहा है तो कोई इस पासे भी जा रहा है तो आप सोचने की लड़ है सानू सोसाइटी। तो हले भी लॉरेंस बिश्नोई के कई यूनिवर्सिटी के इदा के मुंडे ने या होर पार्टी के प्रधान है जिन्हों की हले भी लॉरेंस बिश्नोई की डायरैक्ट गलबात है, उन्होंने फोन पर गलबात होती। देखो ये तो वो जानन जी की पता हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कोई इस चीज़ की स्पष्टीकरण नहीं है। असी तो इस चीज़ में मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता भी एवं का कुछ है, बट हो सकता है, हो भी सकता है, कोई डिनाई नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पहला भी पिछले कोई 2 साल पहला 3 साल पहला की गल है, यूनिवर्सिटी के होस्टलों चो भी मुंडे फड़े थे जिन्हों के कोल पिस्टल सी, इलीगल वैपन सी। तो कितने ना की रोल है वैपन का, स्टूडेंट के नाल कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट को आपकी सिक्योरिटी लिए वैपन रखने की कोई लड़ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट एक फियरलैस होंगे। वो पढ़न आ रहा है, वो चलो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना आ रहा है, राजनीति करना आ रहा है, कोई इलीगल काम करन नहीं आ रहा। इट मीनस किते ना किते रिलेशन रहे ने आपस दे, जिहड़ा बाहर किसी ना किसी कोई हरियाणा पंजाब हिमाचल कोई नेड़े तेड़े जे ट्राई सिटी है सब दे एक दूजे नाल रिलेशन रहे हैं, जिस करके ये चीज़ सामने आई है। तो वैपन यूनिवर्सिटी के विच किवें पहुँचता, क्योंकि अज की डेट के अगर यूनिवर्सिटी की गल की जाए तो स्टूडेंट सेंटर के अगर 100 मुंडा खड़ा तो 100 के विचों 80 बाहर ला। तो वैपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कोल किवें पहुंचदा ते किवें उहदी वरतों जिहड़ी कि इलैक्शनां दे टाइम ते कीती जांदी है। देखो वैपन असीं आप हैरान आ भी यूनिवर्सिटी दे विच भी वैपन लोग रखदे आ, आउटसाइडर्स बहुत सारे आंदे आ। तो एक यूथ दे विच क्रेज़ है भी असीं लीगल वैपन रखीए तां असीं बहुत चंगा फील करांगे, असीं सुपीरियर फील करांगे, बट इन रियलिटी बड़ी गलत एक्टिविटी है। तो यह पहला भी होया, रेड पैंदियां ने होस्टलों के बाहर भी रेड पैंदी है, इवें CIA स्टाफ चंडीगढ़ भी बाहर इत्थे स्टूडेंट सेंटर यूनिवर्सिटी से रेड पा के गए, कोई अरैसट भी करके गया सी 2-4 बंदियां नूं जिहड़े आइडेंटिफाई किए भी किसी लीगल एक्टिविटी विच हो सकदे आ। तो इस तरीके की एक्टिविटी यही कहती भी लीगल वैपन इंडिया के रखना बड़ा आसान हो चुका है, तुसीं कितों भी मंगा सकते हो, पंजाब हरियाणा यूपी बड़ा सस्ता आ जाता है। नाले यूथ नूं एक बहुत चंगा लगता भी साडे कोल वैपन है तो असीं बहुत सिक्योर फील करते हैं। पिछले कुछ समय तो सोपू पार्टी के पोस्टर भी यूनिवर्सिटी के लगने बंद हो गए हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई का डर है या लॉरेंस बिश्नोई ने पिछों कमांड दी हुई है कि हुण पार्टी नूं जिहड़ा कि पोस्टर्स नहीं लाने? देखो पहला सोपू पार्टी बहुत प्रोमिनेंट पार्टी रही है यूनिवर्सिटी, फिर कुछ समय तो 5-7 साल तो पार्टी इनएक्टिव रही है, जदों दी पोलिटिकल पार्टीज अगे आ गई। उस तो बाद इहो जिहा समा आया भी शायद इनवोल्व स्टूडेंट्स इनवोल्व नहीं होना चाहते सी पार्टी में, बिकॉज हाले भी जिहड़े नवे स्टूडेंट्स आंदे सोपू पार्टी ज्वाइन करन तों डरदे सर। बिल्कुल ओबवियसली हर बंदा, हुण पुलिस ने पिछे इंटीमेट किया सी भी कोई भी पार्टी के नाल जो जुड़दा है साडे नाल आइडेंटिफाई, असीं उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके मिलांगे। कॉलेजेस दे विच भी कोई पार्टी नाल जुड़दा है तो असीं आइडेंटिफाई करांगे, उन्हां नूं मिलांगे भी किस रीजन नाल तुसीं मतलब कनैक्टिविटी हैगी, की कारण है। तो यह होया कॉलेजां दे विच, जिन्हें कोई किसी कॉलेज दे विच माड़ी मोटी पार्टी जिन नाल जुड़िया कोई तो पुलिस ने उन्होंने फोन करे भी तुसी मिलो आके कौन किस रीजन के नाल तुसी जुड़े हो। तो सारिया गल्लां पुलिस बड़ी बड़ी बारीकी नाल निगरानी रखी हुई है भी कि, किस कारण नाल होर भी अगे यूथ जुड़ रही है पार्टी दे नाल। ते पार्टी हुण किस तरीके नाल देखो हजे तो इनएक्टिव है, इन्नी कोई एक्टिव नहीं हैगी, बट लेट्स सी जे कोई अगे आके पार्टी 'च कोई कमी नहीं होंगी। पार्टी हुण नवा चेहरा कौन बनेगा सोपू पार्टी का, ये तो जिहड़े डिसीजन लैंदे हैं पार्टी दे जिहड़े सीनियर ने ओही दस्सणगे भी कौन। सीनियर तां जेल 'च बैठे हैं तो वह दस देंगे जी कौन होगा, तो उन्होंने डिपेंड करता जिहड़े उन्होंने सीनियर ने बाहर भी ने अंदर जो भी XYZ है उन्होंने डिपेंड करता है कि पार्टी किवें चलूगी। नहीं फिलहाल की घड़ी तुहानूं कोई सीनियर बनता दिखने पंजाब यूनिवर्सिटी? देखो हजे 2-4 साल पहला कोरोना सी, 2 साल इनएक्टिव इलैक्शन नहीं होए, ऐतकी इलैक्शन होणगे, असीं वेखांगे भी की हुंदा है, उहदे विच पता लगेगा भी कौन कोई पैनल ते अगे आ रहा पार्टी वल्लों या कोई इनएक्टिव मैंबर एक्टिव मैंबर अगे आके राजनीति विच एंट्री करदा है कि नहीं करदा। अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी दे विचों भी जेलां दे विच समान पहुंचदा, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ फोन आते हैं या अपनी चढ़ाई दिखाने वास्ते कि जेलों तो फोन कराने वास्ते तां करके जिहड़ा स्टूडेंट है वो जेलों के समान पाता है। तो किवें पहुँचता समान? देखो कली पंजाब यूनिवर्सिटी की गल नहीं है, कॉलेजों की भी गल है। जब कॉलेज के स्टूडेंट आता है वो 18 साल की उम्र होंगी, 18 तो 21 या 22 तक वो ग्रैजुएशन करता है। नवे हर इंसान को शौक होंगे इन्हों चीज़ कि किसी ना किसी का कोई रिलेशन अंदर हो, कोई स्टूडेंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ उन्होंने कोई रिलेशन वाले लोग या कोई गैंगस्टर जेल के होंगे ने, वो XYZ कितों भी तालुकात रखते हो, पिछोकड़ तो ही जानकारी होंगे ने या इत्थे आके बनती है। तो उन्होंने अंदर वो बूट्स प्रोवाइड करने, महंगे कपड़े प्रोवाइड करने, प्रोटीन के डब्बे प्रोवाइड करने, या उन्होंने बेसिक नैसेसिटी तो लैके लग्जीरियस जी चीज़ा ने सारिया चीज़ प्रोवाइड करने का स्टूडेंट्स या जोड़े भी बाहर उन्होंने जोड़े साथी होंगे से उन्होंने पूरी कोशिश करते सी लैके जाती तो प्रोवाइड भी करते होंगे। तो गिव एंड टेक पॉलिसी सी, जोड़े बाहर जोड़े स्टूडेंट्स से बाहर यूथ से उन्होंने भी साड़ी बल्ले बल्ले जोड़े अंदर बैठे गैंगस्टर्स है उन्होंने करके लाइक कोई कुछ चीज़ हो जाती है तो असी सपोर्ट साडा सपोर्ट सिस्टम अंदर बैठा है। तो जोड़े अंदर होंगे से उन्होंने भी जे साड़ी बाहर कोई बल्ले बल्ले करा दी है तो यूथ तो मुंडे ही करा सकते हैं। भी साडा भरा है उत्थे बैठा या मेरी उहदे नाल गलबात हैगा। नाले तुसीं जाणदे ही हो जेलां दे विच फोन रखना कितना सौखा हो गया। रोज़ किसी ना किसी जेल 'च कोई पोस्ट अपलोड हुंदी है, किसी गैंगस्टर की वीडियो अपलोड हुंदी है, फोटोज़ अपलोड हुंदी है, तो तुसीं ये सोशल मीडिया ते देख सकदे हो कि ये चीज़ां हो रही ने, तो बहुत ईजी है समान अंदर भेजना। बूपी राणा ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ते बंबीहा ग्रुप, ये सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ग्रुप हैं ये आज की डेट 'च बने हुए हैं, लेकिन सारिया ग्रुपों का शुरुआत जी है कि यूनीवर्सिटी तो होंगी है, तो कितना ना कितने उन्होंने राज है जोड़ा भी यूनीवर्सिटी से चलता है। यूनीवर्सिटी दे विच जेडे स्टूडेंट हुण नवें उठ रहे हैं, जोड़े प्रधान पुराने प्रधान है, जे मैं गल करा थोड़ी सचिन जी, तो थोड़े नाल दे समय के किहड़े-किहड़े गैंगस्टर हैं जोड़े थोड़े नाल पढ़दे होए हुण उन्होंने अपने जोड़े राह गैंगस्टरवाद नूं पढ़, जिन्हां दे तुसीं नाल ले काफ़ी सीनियर लोग ने, काफ़ी पुराने लोग सीगे, उस समय तो बाद हौली हौली अंदर इनवॉल्व होंदे रहे। बट जदों दा असीं वेख रहे हां 5-7 सालों तो कोई इहो जिहा कोई प्रोमिनेंट गैंगस्टर तां निकल के कोई आया नहीं है यूनीवर्सिटी दे विच, क्योंकि माहौल दे विच भी फर्क पै गया, सख्ताई पुलिस दी भी बहुत हो गई है, छोटी मोटी वारदात हुंदी रहिंदी है, हुण भी लड़ाइयां भी हुंदियां ने, यूनीवर्सिटी दे स्टूडेंट भी इनवॉल्व हुंदे ने, परचे भी हुंदे ने, तां बट उस लैवल ते कह सकीए भी किते ना किते असीं समझीए भी असीं लगाम भी कोशिश कर रहे हैं, भी लगाम भी लग चुकी है। असीं आप पॉलीटिक्स दे विच एड्रेस करदे हां स्टूडेंट्स नूं, तां इक्को गल कहिंदे हां भी पॉलीटिक्स ते इस रिलेशन नूं जिहड़ा इस हिडन रिलेशन है, इनू कोशिश करो भी सानू किसी कदे जरूरत ना ही पवे, इस चीज़ साफ सुथरी राजनीति करिए तो इस गैंगस्टरिज्म तो दूर रहिए, ताकि भी जिहड़े स्टूडेंट्स अगे आके लीडर बनना चाहुंदे ने उन्होंने डर ना लगे। आम घरां दे मुंडे जिहड़े आंदे ने वो सुपना लैके आंदे असीं लीडरी करिए, असीं राजनीति करिए यूनीवर्सिटी को, तो इत्थे आके वेखदे हैं भी इन्नी औखी है भी किते ना किते भी तुसीं बैक पावर चाहिदी है, तुहानू मसल पावर चाहिदी है, तो इहो जी कोई लोड़ नहीं है। ये सारियां चीज़ां पॉलीटिक्स दे नाल इन्नी रिलेट नहीं होणीਆਂ चाहिए। अच्छा, जोड़े चंगे घरों के मुंडे पंजाब यूनीवर्सिटी के पढ़न आते, जिन्हों को पिछे वधिया पैली है, जिन्होंने को पढ़न आते हैं, कहने कि सब तो पहले उन्होंने टारगेट किया जाता है गैंगस्टर्स वालों, फिर उन्होंने तक किमें पहुँचती है इनफॉर्मेशन कि भी आह मुंडा घरों बहुत सौखा है तो ये थोड़ा पैसा ईजीली प्रोवाइड करा सके, आह इनफॉर्मेशन किमें पहुँचती है यूनीवर्सिटी के जेलों तक। बेसिकली जिहड़े कोई उन्होंने शगिर्द या उन्होंने कोई साथी बाहर हुंदा है, अज भी शगिर्द जिहड़ा उन्होंने टच हुंदे ने कोई ना कोई हुंदा ही होना। देखो तुसीं आप ही वेखो, जे बाहर फोन कॉल्स जा रही ने, अंदर फोन ने, तो आप सारा समझ सकते भी कोई ना कोई बाहर उन्होंने टच दे विच हैगा, जिहड़ी उन्होंने रिपोर्ट दिंदा भी इस परसन नूं असीं टारगेट कर सकते हैं, इस परसन कोल असीं ये चीज़ बन सकते हैं, तो वह कनैक्ट ही हुण जिहड़ा बंदा घरों सरदा है वो ही प्रोवाइड कर सकता है। जे कोई माड़े घरों बंदा है वह बेचारा की प्रोवाइड कर दूगा, तो जिहड़ा बंदा घरों सरदा वो चीज़ नूं कितना किते हौली हौली कनैक्टिविटी बन जाती है, भावें वो वीडियो कॉल के थ्रू बने, ऑडियो कॉल के थ्रू बने, या कितना किते उन्होंने एक बार गलबात करवा के वो सारिया चीज़ा सामने आ जांदियां ने भी ये साडे इन्हां नूं असीं नाल जोड़ीए ताकि इन्हां तों आपां फायदा लै सकीए। ते बीते दिनी पंजाब दे वड्डे सिंगर ते कांग्रेसी आगू सिद्धू मूसेवाले दा दिन दिहाड़े शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लैंदा। तो दूजे पासे लॉरेंस बिश्नोई का ही साथी गोल्डी बराड कैनेडा दे विच बैठा, वो पोस्ट पा के कहता कि ये काम असी किया क्योंकि इन्हें साढ़े भाई विक्की मिड्डू खेड़ा नूं मरवाया सीगा। सिद्धू मूसेवाले का विक्की मिड्डू खेड़ा का मरवाना ये कित्थों तक का सच है? देखो जी, बड़ी गलत गल है। असी दो यूथ लीडरां नूं खोया, वक्री वक्री पार्टियां तो सीगे, ते एक आपकी अकाली दल का लीडर सीगा, दूजे कांग्रेस के वड्डे प्रोमिनेंट एक सिंगर, वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर सीगे। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन डेथ नहीं होंगी। इंसान चाहता है भी आपके दुश्मन के बारे भी मौत का ना सोचिए, पर किते ना किते जिहो जिहा माहौल पंजाब दे विच क्रिएट हो गया ये पता नहीं कितने लैके जाऊगा, बट किसी चीज़ का डेथ सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपसी गलबात हुई है कि नहीं हुई, की रीजन ने, किन्ना सिंगरां दे नवे ना आ रहे हैं, तुसीं देखो पुलिस ने भी डिनाई करता इनवॉल्वमेंट आपसी कुछ नहीं सीगी। ईवन जदों वो मर्डर होया सी आपस दे विच भी पता नहीं किस तरीके नाल केस अगे वधिया, बट जिन्नी पुलिस ने दसी है गल, वो कहंदे भी किसी दी आपस च इन्नी इनवॉल्वमेंट नहीं सीगी। हुण ये रीजन की ग्रुपिज़म करके मर्डर होए ने या पर्टिकुलरली ये दोनों एक दूजे नाल ग्रुपिज़म दे नाल जुड़े होए सी तां मर्डर होए ने। ये कहंदे कबड्डी कप भी कराया जांदा, हालांकि नाम उहदे विच बंबीहा ग्रुप दा आंदा, ते कहंदे कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले नूं मना कीता सीगा भी तू फलाने कबड्डी कप ते ना जाई, लेकिन वो चले जांदा ते उस तो बाद इन्हां दी रंजिश शुरू हुंदी है। इंटरनल गल्लां ने जी, देखो रंजिश किसी भी चीज़ तो हो सकती है। कल नूं कोई भी किसी इंसान नूं किसी चीज़ नूं रोकता है, जो वो नहीं रुकता वो चीज़ करता है तो रंजिश शुरू हो जाती है, किसी भी चीज़ किसी भी मैटर करके रंजिश हो जाती है। तो जदों तुसी मसल पावर अगे आती है, जदों तुसी तुहाडे विच वो चीज़ भी मसल पावर निकल के बोलती है तो तुसी इन्हां चीज़ां वल अगे वधदे हो। तो आपसी इन्हां दी की गल्लां होईयां ने, इंटरनल गल्लां सर, इन्हां दी कोई ऑथेंटिसिटी किन्नी हो सकती है ये परमात्मा जाणदा है, आपस च लोग जाणदे ने, बट एक किते ना किते एक क्लीयर कट मैसेज है भी सानू लगाम लगाने की लोड़ है इन्हां एक्टिविटीज़ ते। उस तो बाद भी माहौल बहुत ज़्यादा अगे भी खराब हो सकता है जे चीज़ां कंट्रोल नहीं हुईयां, तो इहो जे मर्डर जिहड़े पिछले समय दे विच होए अगे भी हो सकदे जे आपां नूं इन्हां नूं नहीं कंट्रोल कीता इन्हां एक्टिविटीज़ ते। अंदर बैठे बैठे एड्डी वड्डी वड्डी जिम्मेवारियां लै लैंदे ने हो। लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी समय तो जिहड़ा कि जेल कट रहे हैं तो हुण भी उन्होंने सिद्धू मूसे वाले की जिम्मेवारी लै ली, हालांकि हुण इस गल तो जिहड़ा कि है मुकर रहे हैं कि यह पोस्ट जिहड़ी कि है असी सिद्धू मूसे वाले नूं नहीं मारिया, हालांकि पोस्ट उन्होंने वलों उन्होंने साथी गोल्डी बराड़ के वलों पाई है कनेडा दे विच बैठे। तो थोड़े समय के विच तां तुसीं कहा कि कोई इदां दा वड्डा नाम आए नहीं, पुराने नाम ही जिहड़ा कि उही अगे आ रहे, तो उही जिहड़ा कि है पंजाब यूनीवर्सिटी नूं चला रहे हैं जिवें कि तुसीं दस्सिया। तो तुहानूं लगदा नहीं कि पंजाब यूनीवर्सिटी नूं किते ना किते रोक लगानी चाहिए है इस चीज़ ते, क्योंकि पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच रहिंदे रहिंदे ही बहुत सारे होर नवें आने वाले समय के इस हिसाब नाल गैंगस्टर तैयार हो जाएंगे। देखो जी, पंजाब यूनीवर्सिटी एक पासे मैं वही कहा पहला भी कहा सी, यूनीवर्सिटी कोई माड़ी नहीं होंगी, यूनीवर्सिटी ने एक पासे बहुत चंगे लीडर भी दिते हैं, IAS अफसर भी दिते, डॉक्टर भी दिते, दूजे पासे असी गैंगस्टर्स भी दिते। ये कितने कितने सानूं सोचण दी लोड़ है भी की कमी रही है एजुकेशन दे विच, काउंसलिंग दे विच भी। ये नौजवान युवा इस पासे नूं तुरी जांदे, इनवॉल्वमेंट सीगी नहीं सीगी बाद दीआं गल्लां ने। सानू ये देखना पैना भी की कारण है भी जो स्टूडेंट्स या यूथ का रुझान है उन्होंने इन्होंने चीज़ों लाइक करता है। तुसीं अज यूथ नूं वेख लोगे कितें भी खड़े चंडीगढ़ दे विच ये गल करदे हो, दिन दे विच एक वार तां वो गैंगस्टर दीआं गल्लां करदे ही हुंदे ने कि वो प्रभावित इन्ने ने कि वो गल्लां करदे ने, जे वो गल्लां करदे ने इट मीनस वो प्रभावित ने इस कल्चर तो, वो मसल पावर तो प्रभावित ने, वो जिहड़ी पावर उन्हां दे कोल है उस तो प्रभावित ने। शायद ये सानू सोचना पैना भी किते ना किते इन्हां नूं समझा के एक चंगी काउंसलिंग करिए, यूनीवर्सिटी दे विच इहो जे सैमीनार्स ऑर्गेनाइज करिए भी असी इलीगल एक्टिविटीज़ तो दूर रहिए, गैंगस्टरिज्म तो दूर रहिए, असी स्टूडेंट्स ने की लेना है कि पॉलिटिकल लीडर्स ने की लेना इन्होंने चीज़ों को, ये सोच के असी कुछ चंगे तरीके नाल एक चंगा मैसेज दे सकी यूनीवर्सिटी के वालों, तो स्टूडेंट्स भी अपनी एक मुहिम चलान भी असी किते ना किते चंगे समाज की एक नींव रख सकते हैं पंजाब यूनीवर्सिटी तो, तां कुछ हो सकता है। नहीं तो ये चीज़ रुकण वाली नहीं हैगी, क्योंकि हजे भी सानू असी वेखते हाँ भी छोटी छोटी लड़ाई की रूप लै जाती है। कई बार आपसी छोटी जी लड़ाई किसी दो ग्रुप की या दो गुट की लड़ाई एक बहुत वड्डी टसल दे विच इन्वॉल्व हो जाती है तो मरण मारण तक गल पहुँच जाती है। विक्की मिड्डू खेड़ा तो लॉरेंस बिश्नोई कितना ना कितने आपसी उन्होंने जो मेल मिलाप बहुत सीगा। उन्होंने कहना कि असी अपने भरा विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लिया सिद्धू मूसे वाले नूं मार के। अगर इसी तरीके नाल चलता रहा, अगर वो अंदर बैठे, क्योंकि जिस जेल दे विच इस समय लॉरेंस बिश्नोई नूं रखिया गया सी तिहाड़ जेल, वो सब तो ज़्यादा सुरक्षित जेल मनी जाती है। अगर उत्थे बैठ के भी वो फोन इस्तेमाल करते हैं तो बाहर बैठे एडे वड्डे वड्डे, हालांकि जान जानी किसी की भी जी जान है वो उन्नी कीमती रखती है, लेकिन एक कितना कितने कांग्रेसी आगू से एक बहुत बड़े सिंगर से, इस करके इन्हों का नाम जोड़ा कि इन्ना उभर के आ रहा। होर भी कई मावां के पुत जोड़ा कि इन्हों की भेड़ चढ़े हैं, लेकिन एक सिद्धू मूसे वाले एक बड़ा नाम सीगा जिहदे करके कि वो इन्ना ज़्यादा लाइमलाइट दे विच रहे हैं। तो लगता नहीं कि अगर इसी हिसाब के नाल यूनीवर्सिटी के अंदर बैठे बैठे आपसी मुठभेड़ चलते रहे तो तुहानूं लगता नहीं बाहर लोगों का होर भी ज़्यादा नुकसान हो सकता। होर भी कई सिंगरस ने जिन्होंने धमकियां आउंदियां ने, तो लगता नहीं होर भी इदा कई जाना का नुकसान जा सकता। बिल्कुल हो सकता। देखो तुसीं हुण देखिया मनकीरत औलख, उन्हें पोस्ट पाई सी थोड़े दिनों में भी, मैं पता नहीं किन्ने दिनों का मेहमान कि एक बहुत वड्डा डर पैदा हो गया। इस तो पहला सिंगरां कोल भी फिरौती भी मंगदे सी गैंगस्टर, बहुत सिंगर इहो जिहे जिहड़े यूनीवर्सिटी ते। मनकीरत औलख दा विक्की मिड्डू खेड़ा नाल काफ़ी प्यार सीगा। हाँ जी, सुणन दे विच है कि मनकीरत औलख दसदा हुंदा सीगा भी फलाने सिंगर दे कोल फलाना पैसा, फलाने सिंगर दे कोल फलाना पैसा, तो वो गल किते ना किते अगे पहुँचदी सी जेलों तक। ये कितों तक का सच? देखो ये सच तो यही जानन मैं इस बारे कोई पुष्टि नहीं कर सकता भी की सच्चाई है, बट ये बहुत ज़्यादा क्लोज सी आपस दे विच। मनकीरत औलख ते विक्की मिड्डू खेड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज सी, इकट्ठे कई बार मैं भी मिलिया सी ते इकट्ठे ही हुंदे सी ये भी बहुत टाइम। मनकीरत औलख ने लास्ट पोस्ट पाई सीगी अगर किसी नूं मैनूं मार के उहदा रांझा राजी हुंदा तां ओह कर लवे। वो पोस्ट पाउण तो बाद ही वो बाहर दी जिहड़ा कि अपनी टिकट कटा लैंदे ने। फिलहाल की घड़ी मनकीरत औलख भारत से नहीं है, वो भारत छड़ के जा चुके हैं, कितना ना कितने उन्होंने भी अपनी जान का डर है जी। देखो डर हैगा, तुसीं देखो उन्होंने पोस्ट देख लो थोड़े दिनों की, तो बाहर जा बड़े ने देश छड़ के, मतलब कितना कितने एक आम इंसान है, वो भी एक युवा सिंगर है, तो वो मन से डर है भी किसी की आपसी लागडात, किसी की आपसी तीली लाई दे विच भी किसी का नुकसान ना हो जाए। तो यहो जे मैं एक सिर्फ मनकीरत औलख का एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे सिंगर ने यूनिवर्सिटी के भी सिंगर आते हैं, असं भी जानते बहुत सिंगर को। डर बहुत अंदर पैदा हो गया सिंगर के भी, जो लाइमलाइट के जो अगे आके आपदे आप नूं प्रमोट करते सी या लाइमलाइट दे विच आपदे प्रोफैशन नूं लैके आंदे सी, उस चीज़ का डर उन्हां च पैदा हो गया भी असीं एक इस प्रोफैशन नूं हुण उस तरीके नाल लाइमलाइट नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई पता नहीं कौन किसी नूं किसे खिलाफ भड़का दे, कौन किसी का ना किसी ग्रुप नाल जोड़ देवे, तो बाद च तुसीं स्पष्टीकरण देण जोगे नहीं रहिंदे, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़ चलती है, मीडिया दे विच भी न्यूज़ चलती है, या बाहर कितने किसी तो मैसेज लग जाता भी ये बंदा ये सिंगर इस ग्रुप को रिलेट करता है, उहदे नाल फोटो हुई है या उहदे नाल मिलिया है, तो इट मीनस वो ग्रुप का मैंबर बना देंगे। तो जी आपसी लाग डाट के ग्रुपों की लाग डाट के गैंगस्टर की लाग डाट के फसते किड़े ने, वो फस सिंगर जाते कहते कि 26 के किसी क्लब के मनकीरत औलख आया सीगा ते लॉरेंस बिश्नोई की पार्टी के ग्रुप वालों मनकीरत औलख की गल का उन्होंने बुरा लग गया, तो उन्हें सीधा फोन मारिया लॉरेंस बिश्नोई को, तो लॉरेंस बिश्नोई का फोन जाता मनकीरत औलख को कि जे तू हुण गाना गाता ਤਾਂ अपना हिसाब किताब लांदा रही, कहते कि उद्दे शो दे विचों छड्ड के चले गया सी। तां दे फोन नंबर जिहड़े पंजाबी सिंगरां दे ने किवें गैंगस्टरां तक जिहड़ा कि पहुंच जांदे। देखो फोन अंदर यूज़ हो रहे हैं, सारिया सुविधा अंदर यूज़ ने, कपड़े जुत्ते सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने अंदर सारा कुछ समान पहुंचदा है, तो फोन नंबर भी जिहड़े प्रोवाइड होंदे ने बाहरों होंदे ने, क्योंकि किसी गैंगस्टर दे लिए एक साडी सोसाइटी दी टेंडेंसी है भी असी जिहड़ा पावरफुल बंदा हुंदा गैंगस्टर नूं पावरफुल मनिया जाता है, इलीगल पावरफुल मनिया जाता है, तो उहदे नाल अट्रैक्ट हुंदा है यूथ भी, हर इंसान अट्रैक्ट हुंदा है, तो कोई ना कोई लिंक रिलेशन रखण दे करके भी मैं इस गैंगस्टर नाल लिंक रखना, मेरा कल नूं मैं पता नहीं कितना फायदा इहदे कोलों ले लूँगा, कोई ना कोई इंसान ये चीज़ां प्रोवाइड कर देता। नंबर प्रोवाइड करना कोई बहुत औखी गल नहीं हैगी, नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं, फिर वो टच बन जाता है। असीं ये भी वेख्या सी, ये भी सुनिया भी है तो वेख्या भी है भी कोई किसी सिंगर जे किसी गैंगस्टर का फोन आ जाता है सिंगर नूं, सिंगर फ्री च अखाड़े भी लाते हैं। नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के इदा होया कि सिंगर फ्री के अखाड़े ला के जा रहे हैं जी, यूनिवर्सिटी का तो पता नहीं, असीं बाहर देखा भी है लगते हैं, बाहर सुनिया भी है अखाड़े भी लगते हैं, गैंगस्टरां के कहण ते क्लबां दे विच एंट्री भी होंदी है फ्री, ये 20 बंदे ने 25 बंदे ने इन्हां दी एंट्रियां ने। फिलहाल हुण तक किहड़े-किहड़े सिंगर जिहड़ा कि इदा फ्री दे विच गा के जा चुके हैं? देखो ये फ्री वाली तो मैं कोई रियलिटी मैं तुहानूं नहीं दस सकदा भी की फ्री वाली सीगी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है गल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई का मैं भी प्रमाणित नहीं कर सकता, बट होया जरूर है, मैं तुहानूं स्पैसीफिकली सिंगर का ना लैके नहीं कह सकता, बट यह हुंदा जरूर है जे किसी सिंगर का 6 लाख रेट है, जे उन्होंने अंदरों फोन आ गया तो उन्होंने 2 या 3 के करना पैना, भावें डेढ़ कह दे डेढ़ च करना पैना, घाटा पै जाए बट वो ना नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब इन्ना क दबदबा जिहड़ा कि अज दी डेट दे विच पंजाबी सिंगरां ते है कि वह अगर अंदरों की जेल चों फोन आंदा तो रेट नूं लैके नहीं बिल्कुल कह सकता, चाहे वो लाख रुपए नहीं करे, चाहे सिंगर दा आपदा बहुत वड्डा नहीं बिल्कुल जी, वो भावें फ्री च करना पै जाए, सिंगर डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जे वो डिनाई क्यों करेगा, जे डिनाई करेगा जो बाहर बंदा है वो सेफ नहीं है, वो डिनाई करेगा तो आपसी रंजिश बन जाती है। तो तुसीं खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्षद हो इस समय, तो तुहानूं लगदा नहीं किवें दे बदलाव हुण जिहड़ा कि यूनिवर्सिटी दे विच आणे चाहीदे ताकि इदां दा गैंगस्टरवाद नूं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विचों निकलण दे विच जिहड़ा कि नकेल कसी जावे? देखो सब तो पहलां तां मैं कहना पुलिस नूं मैं बेनती करदा भी सख्ताई करे, पुलिस जी डिसीजन मेकिंग है, पुलिस आपका रोल चंगे तरीके निभावे, जेडे जो भी प्रैशर च ना आए किसी के, जोड़ा फिर डिसीजन लेना या सख्ताई करके कोई भी डिसीजन में तुरंत लैवे, भी एक चंगा मैसेज असी सोसाइटी के भी दईए भी गैंगस्टरिज्म या इलीगल एक्टिविटीज़ करने का कोई फायदा नहीं है, इन्हों का नुकसान ही है, अपने घर के पिछे रोंदे ने, अपना परिवार पिछे सफर करता है, इंसान तो चला जाता है, बंदा तो जा बढ़ता है, उस तो बाद जी फैमिली रिलेटिव तो वो यार दोस्त ने वो सफर करते। दूजी गल है भी स्टूडेंट्स नूं ते यूथ नूं मैं अपील करता भी इन्हां चीज़ों तो अट्रैक्ट होने की कोशिश ना करो, ये थोड़े टाइम लिए चंगी लगदियां ने, लंबे टाइम के कॉन्सिक्वेंसिज बहुत भारी ने, तुसीं आप दा पिछोकड़ देखो, इंसान नूं मैं तो कहना इंसान नूं अपनी देखना चाहिए भी कित्थों असीं निकल के आए हैं, असीं किस परिवार चों निकल के आए हैं, साडे पेरेंट्स की करदे सी, ये चीज़ जो दिमाग से होगी भी असी इस तरीके आपसी कोशिश करांगे, इन्हां चीज़ों नाल नहीं जुड़ांगे। तो यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को कहना भी सख्ताई करे, चैकिंग करो, रेगुलर चैकिंग करो, आउटसाइडर की एंट्री बैन करन, ते एक सैमीनार रेगुलर ऑर्गेनाइज करन भी, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी जाए भी इन्हां चीज़ों तो असी दूरी बना के रखनी है, अट्रैक्ट नहीं होना है, तो चंगे हर समय के टाइम टू टाइम काउंसलिंग करन, एक चंगा मैसेज सोसाइटी के जाए। तो पोलीटिकल पार्टी जिन्हों चो असी जे पोलीटिक्स करते हैं साढ़े वर्गे लोग, असी भी कोशिश करांगे भी यूथ को चंगे राह ते पाइए, कोई भी जो पुठा भी माड़े पासे भी जाता है उन्होंने कोशिश करी भी रोकीए, क्योंकि सानू उन्होंने पेरेंट्स देखते हैं, उन्होंने भी जोड़ा कुछ हाल एक यूथ जाता है, जो सिद्धू मूसे वाला गया वो माँ प्यो का जोड़ा हाल है वही जानते हैं, कोई होर उन्होंने दर्द महसूस नहीं कर सकता। सो ये सीगे साढ़े नाल पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्षद सचिन गालव जी, जिन्हों का कहना है कि वो खुद इस समय पार्षद ने, तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यही अपील करते हैं कि सब तो पहला तो आउटसाइडरस नूं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच आण तो रोकना चाहिए ताकि बाहरों दी जिहड़ा हथियार जिहड़ा कि पंजाब यूनिवर्सिटी नूं प्रोवाइड हो रहा उहदे स्टूडेंट्स नूं प्रोवाइड हो रहा वो रोकिया जा सके। तो सैमीनार्स कराने चाहिए ने स्टूडेंट्स नूं दसना चाहिए कि ये जिहड़ा गैंगस्टरवाद का राह है ये सौखा नहीं है क्योंकि ये घर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं हैगी।